Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we will learn some English rules and we will start with tenses. Tenses called time, past time, present time or future time. And we are learning the English because English is we use in during our work, during a professional life, during a developing a technologies content too much, so we require up English a lot. And when we do work in a professional life, we requires good professional English. So let's start with basics, because we will move from basics to complicated, right? So let's begin, let's understand, let's go thorough our basic fundamentals of English, and we will begin with simple past tense called tenses, and we will do it in Hindi and English both, so that you will able to grab and understand the concepts more better, and you will able to make your concepts more sound. So let's begin. So we prepare one. I already prepared it. Simple past tense. Whatever the sentence, ya, ye, in the end, you will see ya, ye, a, e, a, right? So affirmative, we call in affirmative in Hindi, sakaratmak. Sakaratmak sentence, nakaratmak sentence, then interrogative means question mark, and negative interrogative prashan, and negative nakaratmak prashan. तो हम कैसे क्या हमारा formula क्या होता है सकारात्मक के लिए जब हम simple past tense use करते हैं. Formula हमने यहाँ नीचे लिखा है third row में. Subject आता है, subject बोले तो he, she, we, और वो, वह. तो जो हम लड़का लड़की किसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़का लड़की, तो वो सब्जेक्ट हो गया. we too, सिर्फ एक ये ही सिंपल पास्ट टेंस है, और सकारात्मक फॉर्म में ही हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब्स की. बस, और यही एक टेंस है, वो भी सिंपल पास्ट में, वो भी एफर्मेटिव में, जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, राइट? फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, आप उसके बाद कुछ भी. ही केम टू आवर हाउस, ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, हाउस हो गया. सेकंड नेगेटिव, हम यहाँ पे सिंपल पास्ट जो सीखेंगे, ये तो मैंने सेंटेंस या ये बहुत सिंपल करने के लिए समझाया है, और एग्जाम्पल्स के साथ ही सीखेंगे. नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आ जाएगा, और सिंपल सिंपल वर्ब आ जाएगा, डैट्स कॉल्ड वी वन. और मैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये जो वी वन है सिंपल वर्ब को हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं. इन्फिनेटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आता टाइम के साथ. एक बार मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, आई डेफिनेटली वांट टू मेंशन इट. लेट्स इंक्रीज. ऑलराइट, let's insert one row, and in that I would like to say that infinitive verbs are no change decrease the font size. Let's
इसका फॉन्ट साइज कम करके verbs with time, right? तो ये यूनिवर्सल वर्ब्स कहलाते हैं ना, अगर आप पास्ट में भी यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में भी यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं, तो ये वर्ब्स में चेंजेस नहीं आएगा, हम उनको इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव वर्ब्स कब लगते हैं? जब हम डिड यूज़ करते हैं साथ में, तो सिंपल सा वर्ब आएगा, क्योंकि डिड हम डिड ऑलरेडी शो कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर डिड जब हमने लगा ही दिया तो हम वर्ब में कुछ चेंजेस नहीं करते, कोई छेड़ाखानी नहीं करते, वो जैसा है उसको वैसे ही पुट ऑन कर देते हैं। डिड अगर हमने लगा दी तो मतलब हम पास्ट टेंस की ही बात चल रही है, भूतकाल समय की बात चल रही है, राइट? तो हम वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करते। एफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं हम डिड यूज़ नहीं करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें पास्ट टेंस में पास्ट की बात करें इसलिए हमें वर्ब्स में चेंज करना पड़ता है। और एक यही है सिंपल पास्ट टेंस एफर्मेटिव जिसमें वी टू फॉर्म लगती है। तो इरेगुलर वर्ब्स की मैं बहुत सारी ये इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस एफर्मेटिव में ही चेंजेस आते हैं। बाकी नेगेटिव ले लो, इंटेरोगेटिव ले लो, या नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसका फॉर्म लो, कहीं पे भी वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब्स यूज़ करते हैं, जो कि वी वन को आप वी वन कह लो, और वी वन से बेटर है आप इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं हम इन्हें, जिसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आता, वर्ब वैसे का वैसा ही रहता है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट में चल रहा हो, या फ्यूचर में चल रहा हो, क्योंकि उसके साथ हम डिड यूज़ करते हैं, राइट? तो हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, वो आया, वो नहीं आया, वो आया ही केम, वो नहीं आया ही डिड नॉट केम, क्या वो आया डिड ही कम, क्या वो नहीं आया डिड ही नॉट कम। और हम एक कंट्रैक्चुअल, अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं, कंट्रैक्चुअल में बात कर रहे हैं, तो हम डिड नॉट को हम हमेशा बोलते हैं डिडंट, डिडंट ही कम। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं भूल गई, आई ही और दे फॉरगॉट, आई डिडंट फॉरगेट, तो हमारा फॉरगॉट होता है सेकेंड फॉर्म, फॉरगेट, फॉरगॉट एंड फॉरगॉटन। तो यहाँ पे वी टू फॉर्म यूज कर रहे हैं, फॉरगॉट आएगा, यहाँ पे हमने डिड यूज कर लिया तो हमारा सिंपल वर्ब आएगा फॉरगेट, राइट? सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, डिड यू फॉरगेट, क्या तुम भूल गए, डिडंट यू फॉरगेट, क्या तुम नहीं भूले। उसने पूछा, ही आस्क्ड, हम पास्ट में पूछ रहे हैं तो ई डी सेकेंड फॉर्म आस्क, आस्क्ड, उसने नहीं पूछा, ही डिड नॉट आस्क, यहाँ पे हमने डिड यूज़ कर लिया तो हमने फर्स्ट फॉर्म वेब की वर्ब की यूज़ कर ली। डिड ही आस्क, यहाँ पे भी इंटेरोगेटिव में डिड ही आस्क, तो फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है, डिडंट ही आस्क। सो लाइक दिस आर सी दीस आर द एग्जांपल्स। अब हम यहाँ पे डिड ही आस्क में ऐसे भी पूछते हैं, व्हाट ही आस्क्ड, दोनों का मतलब बहुत अलग है, क्या उसने पूछा, क्या उसने पूछा मैं अगर है तो डिड ही आस्क, उसने क्या पूछा, देन वी व्हाट ही आस्क्ड। ये डब्ल्यू एच के क्वेश्चंस हैं जो हमारे 5W क्वेश्चंस होते हैं, हु व्हाट वे, तो ही आस्क्ड है ये ही सेम, लेकिन ही आस्क्ड डब्ल्यू के साथ हमने ये यूज़ किया है इंटेरोगेटिव में फॉर्म में, तो इसलिए हमने ये इंटेरोगेटिव हेडिंग के नीचे ही ये लिया है, लेकिन आएगा व्हाट ही आस्क्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में उसने पूछा है, व्हाट ही आस्क्ड टू यू इन इंटेरोगेटिव विद इंटेरोगेटिव, राइट? पॉजिटिव है, एफर्मेटिव भी है, प्लस इंटेरोगेटिव भी है इस क्वेश्चन में। सेकंड एग्जांपल, ही ब्रॉट, तो ब्रिंग का हमारा सेकंड फॉर्म में आ जाता है ही ब्रॉट, ब्रॉट
ब्रिंग ब्रॉट, राइट। मेन वर्ब है हमारा ब्रिंग, लेकिन हम पास्ट टेंस में बोलेंगे ही ब्रॉट। अगर हम उसके साथ डिड लगा रहे हैं तो ही डिड नॉट ब्रिंग, तो नेगेटिव में यूज़ कर रहे हैं, तो नेगेटिव में हमेशा डिड नॉट यूज़ किया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव के साथ वर्ब डिड में हम डिड नॉट यूज़ करते हैं प्लस इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल हो जाता है इससे पास्ट टेंस, क्योंकि एफर्मेटिव थोड़ा टिपिकल लगता है क्योंकि इसमें ये इरेगुलर वर्ब्स काफ़ी सारे हैं, फॉकॉट जैसे अभी आगे काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे एफर्मेटिव पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में, और डेट इस बात को बहुत सिंपल कर देता है। डेट लगाया और सिंपल सा हमने वर्ब यूज़ किया, फिर हमें कोई वर्ब की कोई फॉर्म वगैरह याद करने की, स्पेशली हम कोई फॉर्म याद करें, लेकिन हमें यहाँ पे एक फॉर्म याद करनी पड़ती है एफर्मेटिव में, पॉजिटिव के लिए ही केम। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो एक ब्रिंग का एग्जाम्पल हो गया, ब्रिंग ब्रॉट। अब दूसरा है ही वेंट, वो गया। वो गया में हमें एफर्मेटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे ही वेंट, जबकि हम नेगेटिव में बोलेंगे ही डिड नॉट गो। गो क्योंकि हमारा सिंपल इन्फिनेटिव वर्ब है, चेंजेस नहीं हुए टाइम के साथ, लेकिन हमने डिड लगा दिया, नेगेटिव है, डिड नॉट आएगा साथ में, और पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तो डिड आ गया, नेगेटिव है तो नॉट आ गया। तो और जब हमने डिड यूज़ कर ही लिया है तो हम वर्ब सिंपल वर्ब यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब, जो इन्फिनेटिव वर्ब ले लेंगे क्योंकि डिड हमने पास्ट टेंस में ऑलरेडी लगा दी है। सेकंड इंटरोगेटिव इसका कैसे बनेगा, डिड ही गो, क्या वो गया, डिडेंट ही गो, क्या वो नहीं गया, ऐसी स्पोक। स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, ही स्पी ही स्पोक, वो बोला, ही डिड नॉट स्पीक, वो नहीं बोला। तो यहाँ पे स्पीक हमने सिंपल वर्ब लिया है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डिड डिड पास्ट टेंस में आ गया, तो एक डिड का पास्ट होता है, डिड डिड का प्रेजेंट होता है डू, और डू का पास्ट होता है डिड, तो हमने डिड फॉर्म डू को डिड ऑलरेडी कर दिया, मतलब डू से डू प्रेजेंट से डिड पास्ट पे आ गए हम, तो हमने वर्ब इसलिए सिंपल रख लिया। तो पास्ट टेंस ही डिड नॉट स्पीक, डिड ही स्पीक, ये इंटरोगेटिव हो गया, डिडेंट ही स्पीक। तो अब हम ऐसे थोड़ा स्पीच से सारे एग्जाम्पल्स एक बार देख लेते हैं। दे स्पोक, दे डिड नॉट स्पीक, डिड दे स्पीक, डिडेंट दे स्पीक। खाया, ईट का पास्ट होता है एट, ही एट, अब यहाँ पे डिड नॉट किस साथ आ गया, तो ही डिड नॉट ईट। वर्ब सिंपल रखा हमने, पर डिड डिड में ही डिड नॉट ईट, डिड ही ईट, डिडेंट ही ईट। तो ऐसे आप सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ही टुक, ही डिडेंट टेक, डिड ही टेक, डिडेंट ही टेक। आई वोक, वेक का पास्ट हो गया वोक, वो मैं उठ गई या मैं उठ गया। आई डिड नॉट वेक, मैं नहीं उठा, मैं नहीं उठी। डिड शी वेकअप, क्या वो उठ गई। डिड शी वेक, अगर हम यहाँ लिखा होता क्या वो उठी, तो हम सिर्फ लिखते डिड शी वेक, यहाँ पे हमने लिखा है क्या वो उठ गई, तो हमने यूज़ किया है डिड शी वेकअप, अप उठ गई, तो वेकअप। और बात हम पास्ट टेंस ही सीख रहे हैं तो हम उसी की बात करेंगे मेन, तो यहाँ पे हमने डिड यूज़ किया है, इसलिए हमने अपना वर्ब सिंपल रखा है, वर्ब बोले तो क्रिया, राइट। हमने अपनी क्रिया, हमने अपना कर्म को के टेंस को चेंज नहीं किया है, हमने डेट को चेंज कर दिया है ऑलरेडी, तो उसके साथ सिंपल वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब। नेक्स्ट, डिडन्ट शी वेक, राइट। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ही चल रहे हैं हम, डेट है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट ना भी लिखें हम, आप ऑब्जेक्ट हटा भी सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डेट डॉट
और प्लस फर्स्ट फॉर्म, और उसके ये बिलो एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने स्पीक तक करा था, अब हम ईट देख लेते हैं। ईट का पास्ट हो गया एट, टेक का पास्ट हो गया टुक, वेक का पास्ट हो गया वोक, मेक मैंने नहीं बनाया, मैंने बनाया तो ठीक है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो मेक का पास्ट हो गया मेड, और यहाँ पे हमने डिड यूज़ कर लिया, आई डिड नॉट मेक, डिड यू मेक, डिडेंट यू मेक, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू मेक, डिड यू मेक और व्हाट डिड यू मेक इस इन बोथ आर इंटरोगेटिव बट डिफरेंट क्वेश्चंस। इन दिस अ पर्सन इज आस्किंग टू द पर्सन आइदर यू मेड इट और नॉट, आपने बनाया है, आप ही ने बनाया है, और इसमें वो पूछ रहे कि आपने क्या बनाया है, आपने क्या बनाया, क्या आपने बनाया है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, और इस क्वेश्चन का मतलब ये है आपने क्या बनाया। तो डिड यू मेक को हमने डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ लगाया, तो ये बन गया व्हाट डिड यू मेक, आपने क्या बनाया, तुमने क्या बनाया। ऐसी सेट, ही सेट, अब यहाँ पे हमने डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, चल हम नेगेटिव सेंटेंस में जब बोलेंगे तो बोलेंगे ही डिड नॉट सेट, क्योंकि डिड यूज कर लिया पास्ट टेंस, तो वर्ब सिंपल यूज करेंगे सेट, डिड ही सेट, यहाँ पे भी डिड आ गया, तो फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव वर्ब, जो ऐसा वर्ब जिसमें वो फॉर्म जिसमें कोई चेंजेस ही नहीं है वर्ब में, क्योंकि हमने यहाँ पे डिड में चेंज किया। डिडेंट ही सिट लाइक दिस, फॉल का पास्ट होता है फेल, ही फेल, ही डिड नॉट फॉल, डिड ही फॉल, डिडेंट ही फॉल, ही मेट, ही डिड नॉट मीट, मीट का पास्ट होता है मेट, सो ही डिड नॉट मीट, डिड ही मीट, डिडेंट ही मीट, ही सॉ, ही डिड नॉट सी, डिड ही सी, डिडेंट ही सी, ही अंडरस्टूड, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझा, डिड ही अंडरस्टैंड, क्या वो समझा, डिडेंट ही अंडरस्टैंड, वो नहीं समझा, डिडेंट ही अंडरस्टैंड, क्या वो नहीं समझा। ऐसे ही वो हारा, ही लॉस, लेट्स राइट इट, ही लॉस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ही डिड नॉट लूज, डिड ही लूज, डिड ही लूज, यहाँ पे हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव डालना भूल गए, क्या वो नहीं हारा, डिडेंट ही लूज द गेम, डिडेंट ही लूज द गेम, डिडेंट ही लूज, राइट। तो हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, क्या वो नहीं हारा, डिडेंट ही लूज, वो जीता, ही वन, विन का पास्ट होता है वन, ही वन, ही डिड नॉट विन, डिड ही विन, डिडेंट ही विन, ही लिव्ड हेयर, ही डिडेंट लिव्ड हेयर, तो लिव का पास्ट होता है लिव्ड, ही लिव्ड हेयर, ही डिडेंट लिव हेयर, डिड ही लिव हेयर, डिडेंट ही लिव हेयर, वेयर ही लिव्ड, ये दोनों सेंटेंस अलग हैं, वेयर ही लिव्ड, यहाँ पे इंटेरोगेटिव आ रहा है, तो ये यहाँ ना आके हम इंटेरोगेटिव हेडिंग के नीचे लेंगे, यहाँ पे क्या वो रहा, यहाँ पूछ रहे है क्या वो रहा यहाँ, हाँ या ना में क्वेश्चन पूछ रहे, और यहाँ पे वो पूछ रहे आंसर वेयर ही लिव्ड, वो कहाँ रहा। तो ऐसे ही कुछ और भी इररेगुलर वर्ब्स हैं, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए,
पॉजिटिव एफर्मेटिव नेगेटिव के साथ, फिर इंटरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स के साथ इन सारे इरेगुलर वर्ब्स की प्रैक्टिस कीजिए, पॉज करके खुद ही। एक और ये भी है इरेगुलर पास्ट टेंस वर्ब्स, टोटल ये 101 इरेगुलर पास्ट टेंस वर्ब। जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, स्पेशली जो कि पास्ट में जब बात हो रही होती है या कोई पास्ट में स्टोरी बुक पढ़ते हैं, तो ये सारे वर्ब्स बहुत कॉमन हैं जो आते हैं, राइट। तो इन सभी वर्ब्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू लाइक इट मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड मस्ट गो थ्रू इट, मस्ट कमेंट, मस्ट गिव फीडबैक। यू मे आस्क द क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।